नमस्ते, मैं किरण यादव। देखिए, मेरे पास तो हजारों दुश्मन हैं जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसा कॉल आ रहा है, फोन नंबर है उसका हमारे पास में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 8286883782। ये मुंबई से, ये बंदा बोलता है मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और मेरे साथ गाली गलौज करता है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे धमकी उमकी तो आते रहता है। मुझे धमकी दिया, मैंने भी उसको धमकी दी, मुझे गाली दिया, मैं भी उसको गाली दी, बात तो बराबर हो गई। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो बोल रहा है कि मैं पप्पू यादव का आदमी हूँ, तो मेरे तो हजारों दुश्मन है। ऐसा ना हो कि कोई और कांड करके चले जाए और फंस कोई निर्दोष जाए, तो मैं इसलिए ये नंबर शेयर कर रही हूँ कि ताकि अपना विश्वास कर ले या पता कर ले कि उसका आदमी है कि नहीं है, इसलिए मैं ये नंबर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ कि जो भी हमारे पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, जाना चाहिए मंदिर में। मंदिर में आप जाइए, पूजा पाठ करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान के ऊपर कभी पैसा मत चढ़ाइए। आप जानते हैं जो भगवान के ऊपर आप पैसा चढ़ाते हैं वो पैसा कहाँ से गुजरती है? वो पैसा कसाई खाने में जाती है, जहाँ गाय कटता है वो उसी के हाथ से छू करके देता है पैसे को। मुर्गा कटता है वहाँ वो पैसा वहाँ से गुजरती है, मछली कटता है वहाँ से वो पैसा गुजरती है, खसी कटता है वहाँ से वो पैसा गुजरती है। उस पैसा को आप ले जा करके भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। आपको पता है कि आप अपना धर्म को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं। भगवान इससे खुश नहीं पैसा चढ़ाने से, बल्कि नाराज हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज गरीब के गरीब रह जाते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मंदिर में जाइए, फूल की माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन पैसा भगवान के ऊपर कभी मत चढ़ाइए, इससे भगवान नाराज होते हैं। आपको अगर दान करना ही है तो कि कोई गरीब की बेटी को दान कर दीजिए, उसकी शादी करा दीजिए, दान कर दीजिए उसको। अगर कोई अंधा है, कोई लूला लंगड़ा है जो नहीं चल पाता है, जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो, उसकी मदद करिए आप, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इससे। मैं किसी भी धर्म का विरोध कभी भी नहीं करती, और मैं गलत सलाह कभी किसी को नहीं देती, और बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। कुछ भी कदम उठाइए, सोच समझ के उठाइए।